गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम प्रांशी रस्तोगी। टुडे वी आर डिस्कसिंग द सेकेंड चैप्टर इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्म्स में देखे तो बहुत सारे फॉर्म्स होते, दे आर सो मैनी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहला आता है सोल प्रोप्राइटर, ज्वाइंट हिंदू फैमिली, कोऑपरेटिव सोसाइटी, पार्टनरशिप एंड ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। अब सबसे पहले डिस्कस करें सोल प्रोप्राइटर। द वर्ड सोल मीन्स ओनली। सोल का मतलब अगर देखा जाए तो ओनली मतलब सिंगल पर्सन। प्रोप्राइटर रिफर टू द, अगर प्रोप्राइटर का मतलब हम देखें तो क्या होता है, ओनर, जिसको हम लोग ओनर हिंदी में हम क्या कह सकते हैं, उस ओनर को मालिक। हैंस सोल प्रोप्राइटर मीन्स इज द वन हु इज़ द ओनली ओनर ऑफ अ बिजनेस। क्या रहा, सोल प्रोप्राइटर का अगर पूरा मतलब देखें तो इज़ द वन हु इज़ द ओनली ओनर ऑफ अ बिजनेस, जो एक अकेला ओनर है बिजनेस का। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ ओन्ड मैनेज एंड कंट्रोल्ड बाई एन इंडिविजुअल। क्या रहा, ये वो बिजनेस फॉर्म है या वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें which is owned, controlled and managed by an individual person, जिसको owned भी मतलब single person owner है, manage भी single ही person करेगा और control भी by an individual, individual का मतलब यहाँ पर क्या है, single person। तो sole proprietor क्या है, sole का मतलब होता है only, proprietor का मतलब होता है owner। तो sole proprietor is that type of business organization which is owned, controlled and managed by a single person or by a single individual, okay? अब इसके features या characteristics की बात की जाए तो इसमें है formation। formation इसमें अगर देखा जाए तो formation के अंदर ये होता है कि easy to form। easy to form है मतलब कि आप अकेले single owner हो तो आप अपना decision खुद से लेते हो, तो आप अपने हिसाब से अपने business को form कर सकते हो। second है liability। लाइबिलिटी जो एक सिंगल प्रोप्राइटर की होती है वो क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। एक अगर पर्सन की भी लाइबिलिटी देखा जाए तो क्या होती है, अनलिमिटेड। सोल रिस्क बियर एंड प्रॉफिट रिसीव्ड। कह रहा है कि जो सोल प्रोप्राइटर होता है रिस्क भी बियर करता है खुद अकेले, सोल मतलब अकेले करता है, और जो प्रॉफिट होता है उसको भी रिसीव करता है अकेले। भाई अगर अकेला सिंगल ओनर है किसी बिजनेस में, एक ही पर्सन क्या है ओनर है, तो अगर लॉस होगा तब भी वही सफ़र करेगा और प्रॉफिट होगा तब भी वही इन्जॉय करेगा क्योंकि उसके बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है। कंट्रोल, कंट्रोल भी किसका होता है, सिंगल पर्सन का कंट्रोल होता है, ओन एंड कंट्रोल बाय अ सिंगल इंडिविजुअल पर्सन। नो सेपरेट एंटिटी, कोई भी सेपरेट एंटिटी नहीं होती है, बिजनेस और जो बिजनेस ओनर वो एक होते हैं। सिंगल ओनरशिप होती, मतलब एक ही के हाथ में ओनरशिप होती है, ये नहीं कि बहुत सारे कलेक्टिवली पर्सन के हाथ में ओनरशिप नहीं होती, सिंगल पर्सन के हाथ में ओनरशिप होती है ना सोल ट्रेड बिजनेस में। अब कुछ मेरिट्स आती हैं, कुछ मेरिट्स आती हैं सोल प्रोप्राइटर की। सबसे पहला आता है क्विक डिसीज़न। क्विक डिसीज़न में क्या होता है, सिंगल ओनर है, सिंगल ओन एंड कंट्रोल पर्सन अपने बिजनेस को ओन कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, तो वो क्या करेगा, क्विक डिसीज़न लेगा अपने आप से, क्या करेगा, क्विक डिसीज़न लेगा। अगर बिजनेस में उसको कुछ भी, उसको डिसीज़न लेना तो उसको चार बार सोचना नहीं पड़ेगा या किसी से चार बार कंसर्न नहीं करना पड़ेगा कि ये हमें इस तरह लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए बिजनेस में, वो डिसीज़न की इस तरह करना चाहिए नहीं। अकेला सिंगल पर्सन है तो क्या करेगा, अपने मन से जो भी उसको समझ में आएगा वो क्विक डिसीज़न लेगा। फिर कह रहा है डायरेक्ट इंसेंटिव, और डायरेक्टली इंसेंटिव उसको जो भी होगा सब चीज़ डायरेक्ट होगा, मतलब कुछ भी इनडायरेक्ट वे में काम नहीं होगा, क्योंकि सिंगल पर्सन है तो डायरेक्ट अपने जितने भी कस्टमर उससे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करेगा, डायरेक्ट इंटरैक्ट करेगा, और जो भी प्रॉब्लम होगी तो डायरेक्टली फेस भी करेगा। कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, और बहुत सारी इंफॉर्मेशन सिंगल पर्सन है तो सीक्रेसी मेंटेन करके रख सकता है अपने बिजनेस की। जैसे अगर किसी बहुत सारे पर्सन है तो उसमें सीक्रेट मेंटेन करना इम्पॉसिबल है, और सिंगल पर्सन है तो वो सीक्रेट मेंटेन कर सकता है। इजी ऑफ फॉर्मेशन, इजी ऑफ फॉर्मेशन है मतलब बहुत सारे लोग नहीं चाहिए, बहुत सारा पैसा नहीं चाहिए, आप इजीली क्या कर सकते हो, इजीली फॉर्म कर सकते हो सोल ट्रेड बिजनेस। फिर प्रॉम्प्ट डिसीजन मेकिंग भी होता है, सिंगल ओनर है तो प्रॉम्प्ट डिसीजन भी वो खुद से ले सकता है। इजी डिसॉल्विंग, इजी डिसॉल्विंग है मतलब ये जो डिसॉल्यूशन, जब आप 12th में जाओगे तो आप पढ़ोगे डिसॉल्व करना, मतलब बिजनेस को बंद करना, इजी डिसॉल्व है, जैसे इजी फॉर्मेशन वैसे इजी बंद करना भी। भाई सिंगल पर्सन है तो उसके हाथ में सब कुछ है, जब तक उसकी लाइफ है तब तक बिजनेस चलेगा, जब जैसी उसकी लाइफ एंड हुई बिजनेस भी एंड हो गया।
ठीक। फिर आया डायरेक्ट इंटरेक्शन विथ अ कस्टमर, कह रहा है डायरेक्ट इंटरेक्शन भी करता है अपने कस्टमर से, मतलब कोई इनडायरेक्ट नहीं है कि अलग से ओनर बैठा है वो इंटरेक्ट नहीं कर रहा है और बाकी जो भी उसके स्टाफ है वो, तो डायरेक्ट सिंगल पर्सन ओनर है तो क्या कर रहा है डायरेक्ट इंटरेक्ट कर रहा है अपने कस्टमर से, मतलब जो भी डीलिंग हो रही है अपने कस्टमर से सामने सामने कर रहा है, फेस टू फेस। प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, और ये प्रोवाइड करता है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बहुत सारे लोगों को, सिंगल ओनरशिप है तो एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड करता है, कोई भी पर्सन के पास कोई काम नहीं तो क्या करेगा, सिंगल सोल प्रोप्राइटरशिप अपना एक बिज़नेस खोल के बैठ जाएगा। अब कुछ इसके लिमिटेशंस भी हैं, लिमिटेशन जिसको कहते हैं डीमेरिट्स या कुछ ख़राब चीज़ भी हैं सोल प्रोप्राइटर की अगर देखा जाए तो। सबसे पहले लिमिटेशन आता है लिमिटेड रिसोर्स, भाई सिंगल पर्सन है तो उसके पास रिसोर्स भी क्या होगा लिमिटेड, रिसोर्स का मतलब क्या पैसा भी क्या होगा लिमिटेड होगा, जितना कम पैसा होगा उसके पास, सिंगल पर्सन है पैसा भी कम होगा तो सामान भी कम होगा। फिर अनलिमिटेड लाइबिलिटी, और उसके साथ क्या एक प्रॉब्लम है कि एक तो सब चीज़ रिसोर्स कम है, बिज़नेस छोटा है, ऊपर से क्या है अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़, उसकी लाइबिलिटीज़ कितनी ज़्यादा हैं, मतलब उसको पे ज़्यादा करना अनलिमिटेड लाइबिलिटी। डिफ़िकल्ट टू राइज द कैपिटल, और उसको कैपिटल भी अपनी बिज़नेस में जो पैसा लगाया जाता है उसको हम लोग कैपिटल कहते हैं, उसको भी राइज करने में बहुत डिफ़िकल्टीज़ होती है उसके पास, क्योंकि ज़्यादा रिसोर्स नहीं है, ज़्यादा पैसे नहीं है। लिमिटेड फंड, लिमिट पे फंड है उसको पैसे भी लिमिट में लगाना है, क्योंकि सिंगल अगर बहुत सारे कलेक्टिवली पर्सन लगाएंगे तो ज़्यादा फंड हो जाएगा इकट्ठा, बट एक अगर सिंगल पर्सन है तो उसके पास जितना होगा फंड उतना ही तो वो स्पेंड करेगा ना अपने बिजनेस को सेटअप करने में, इन्वेस्ट करेगा पैसा। साइज इज़ लिमिटेड, साइज़ भी क्या लिमिटेड है, बहुत ज़्यादा बड़ा तो हो नहीं सकता, सोल ट्रेड बिजनेस छोटा ही रहेगा। लिमिटेड स्कोप फॉर एक्सपेंशन, और लिमिटेड स्कोप होता है एक्सपेंशन मतलब बढ़ाने का। अनसर्टेन लाइफ है, अनसर्टेन लाइफ है क्या होता है कि इट इज़ डिपेंड ऑन द लाइफ ऑफ द ओनर, जैसे लाइफ ऑफ द ओनर पर डिपेंड करता है बिजनेस, जैसे ही लाइफ अगर ओनर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ओनर की डेथ हो जाती है तो क्या होगा कि बिज़नेस भी बंद हो जाएगा। थैंक यू क्लास।